हेलो एवरीवन, क्या हाल है। वेलकम टू शो फैंटास्टिक गेमिंग। मैं वापस आ गया एक नए इंडियन गेम के साथ। इस गेम का नाम है गेट इट आउट ग्रेविटी पजल। ये एक पजल गेम है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। इस गेम को सिर्फ एक बंदे ने डेवलप किया है एंड वो बंदा वही है जिन्होंने कार पार्किंग सिम्युलेटर को डेवलप किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आपको ऊपर आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाओ उस वीडियो को देखो, लाइक करो, लेकिन इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। और इस गेम का डाउनलोड लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हियर वी गो। तो ये हमारी लॉबी है, इसमें प्ले, क्रेडिट, शेयर, क्विट, ये सारे ऑप्शंस हैं। सो चलो फिर पहले प्ले में देखें। सो इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं। लेवल वन स्टार्ट करते हैं। और ये आ गया हमारा लेवल वन। ये हमारा बॉक्स है, मतलब कैरेक्टर बोल सकते हैं, प्लेयर बोल सकते हैं। और हमें दरवाजे के अंदर जाना है। सो पहला जो है वो बहुत आसान था। जैसे जैसे हम लेवल क्रॉस करते रहेंगे डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ता रहेगा। सेकंड लेवल पे हम आए, हम इसको टिल्ट कर सकते हैं और फिर हमें चाबी लेनी है और दरवाज़ा खुल जाएगा। ये खुल गया हमारा दरवाज़ा और हमें अंदर आ गए और लेवल थ्री आ गया हमारा। तो इसमें हमें ऊपर, अब हमारा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हो गया क्योंकि ऊपर कांटे भी आ गए। और ये मैं गया, गेम ओवर हो गया मेरा। सो हमें थोड़ा स्ट्रेटेजिक टाइप का गेम भी है ये, और ये पज़ल भी है। इसमें स्ट्रेटेजी ये लगानी है कि बिना गेम ओवर किए हमें चाबी चाहिए। सो उसके लिए हम लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप कर सकते हैं और स्लाइड भी कर सकते हैं, और अपने पूरे कैमरे को ही हम रोटेट कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो, इतनी बार रोटेट करने के बाद भी मैंने पट गया हूँ। और फिर मैं यहाँ से थोड़ी देर से सोचने में टाइम लगा और मैं गया फिर दोबारा से। और फिर मैंने सोचा चलो ऐसे करके देखें, तो फिर मैं गया। फिर मैं नीचे की तरफ आया बट मैं रुक गया कि मैं कुछ सोच कुछ रहा था। सो मैं ऐसे आया, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मैं फिर दोबारा से ऐसे निपटूंगा, तो इसलिए मैं खड़ा रहा। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आया और फिर नीचे की तरफ आ गया अपने दरवाजे की तरफ। बट जब चाबी नहीं थी तो दरवाजा खुलेगा कैसे, तोड़ हम सकते नहीं क्योंकि हम पे हथौड़ा नहीं है, तोड़ना क्यों है। और फिर मैं गेम ओवर हो गया। बट फिर मुझे इस गेम ओवर से मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ इस गेम को, मतलब इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए। फिर मैं नीचे की तरफ आया दोबारा जैसे आ ही रहा था। फिर मैं हल्का सा स्लाइड करते करते आया ताकि मैं आउट ना हो, और ये इस गैप में आ गया। और फिर सीधे मैंने दोबारा से टिल्ट किया तो मैं सीधे चाबी के वहाँ पे आ गया, चाबी मिल गई और हम चले। अपना दरवाज़ा खुल चुका है और हम नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। फाइनली ये लेवल कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट लेवल पे आ रहे हैं। नेक्स्ट लेवल इज अनलॉक्ड। ओके, ये आ गया हमारा आई थिंक फोर्थ लेवल है शायद। सो इसमें थोड़ी और, यहाँ पे हम पे एक ड्रम भी रखा गया है जो कि सिर्फ देखने के लिए है, से कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। सो फिर मैं हल्के पास आने लगा, लेकिन जैसे मैं टिल्ट गलत हुआ तो मैं नीचे की तरफ आ गया। फिर मैं नीचे के यहाँ पे आ गया, फिर दरवाजे के पीछे से निकलते हुए और गया मैं। वैसे ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है और दिमाग भी लगाना पड़ेगा थोड़ा कि कैसे बिना आउट हुए हमें चाबी मिल जाए। जब मैं ये गेम खेल रहा था मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था इस गेम को खेलने में। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे जैसे हम लेवल क्रॉस करते रहेंगे हमारी डिफ़िकल्टी लेवल और इंक्रीज होता रहेगा। और जैसे कि मैं दोबारा आउट हो गया इसमें, तो मैं यही सोचने में लगा था कि कैसे मैं इसको पार करूं। और मैं फिर जीत गया दोबारा से। मैंने दो तीन बार ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, बट फाइनली हो गया था और मैं दोबारा गया। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी इंडियन गेम्स एक्सेप्ट बैटल रॉयल गेम्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, गेम प्ले या उसके बारे में बताऊं,
सो आप नीचे कमेंट में बता दीजिए, मैं स्टार्ट कर दूंगा बनाना। सो ये मेरा सेकंड वीडियो है इंडियन गेम्स के ऊपर, जो बैटल रॉयल गेम नहीं है। सो पहली वाली वीडियो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो कार सिम्युलेटर था, कार पार्किंग सिम्युलेटर, और वो गेम भी अच्छा है क्योंकि उसमें दो मोड्स आ जाते हैं, एक तो कार पार्किंग का और एक रेसिंग का मोड है। सो वो भी मज़ा आएगा अगर आप डाउनलोड करेंगे तो। इसका लिंक भी मैं नीचे डाउनलोड में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। सो मैं अभी भी इसी लेवल पे था क्योंकि मैं इस लेवल को पार नहीं कर पा रहा था। सो मैं यहाँ पे आके रुक गया कि मैं सोचने लगा कि कैसे पार करूँ, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे होता मैं फिर निपट जाता। इस लेवल को मुझे पार करने में बहुत टाइम लगा क्योंकि सोचने पड़ रहा था कि भाई साहब कैसे करें इसको पार, हमारे नीले बॉक्स को, कैरेक्टर को मतलब। इसको हम नाम देते हैं हमारे प्लेयर को, ब्लू है और बॉक्स है, सो ब्लू बॉक्स, ठीक है, ब्लू बॉक्स, हमारा ब्लू बॉक्स, गेम ओवर हो गया हमारा, और फिर दोबारा से गेम ओवर हो गया। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, इस गेम में मतलब इस लेवल को कंप्लीट करने में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था। वेस्ट क्या मतलब, जितनी बार मैंने ट्राई किया उतनी बार मैं ऐसे गेम ओवर हो जा रहा था मेरा, लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया, फिर दोबारा ट्राई किया, ट्राई करता गया जब तक कि इसको पार नहीं कर दिया, जो कि मैंने किया है। सो अभी भी मैं सोच रहा था कि हमारे ब्लू बॉक्स को कैसे हम चाबी दिलवाएं और दरवाज़ा खुलवाएं। सो मैं यहाँ पे आके हल्के हल्के फिर मूव करने लगा और फिर मैं नीचे की तरफ गिर गया था। फिर वो गलती से मैं इस साइड पे आया, तब मुझे लगा रे बस हो गया काम ख़त्म, जीत गया मैं गेम, और दरवाज़ा खुल, चाबी मिल चुकी थी, दरवाज़ा खुल चुका था, बस हमें स्लाइड करना था, अब कोई डेंजर नहीं था। और यहाँ पे आने के बाद मैंने स्लाइड किया और मैं पार हो गया लेवल। और हाँ, बाय द वे, ऑनलाइन खेलोगे तो इसमें एड्स भी बहुत सारे आएंगे। और ये देखो, ये हमारा डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ गया है क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से आ गए, एक इस साइड भी है हमारी ऑब्स्ट्रक्शन और एक वहाँ पे भी एक गोला वो भी है जिस पे कांटे निकले। सो इस पे भी अगर टच हुआ तो हम निपट गए, जो कि मैं हुआ हूँ इसमें भी टच। सो इसमें भी मेरा टाइम लगा है, जैसे कि अब आपने देखा मैं टच हुआ और निपट गया, इसमें भी बहुत टाइम लगा है इस लेवल पे भी मेरा कंप्लीट करने में, स्ट्रेटेजी बनाने में कि किस तरफ से निकलूँ मैं। हमारा गोल हमारी चाबी थी और हमारा दरवाज़ा खोलना था, फिर दोबारा से निपट गया था मैं, और हमारा ब्लू बॉक्स को पार कराने का हम रास्ता देख रहे थे और फिर दोबारा से निपट गया था मैं। और बहुत सारा तरीका मैंने ट्राई किया बट मैं नहीं कर पाया, और मैं ट्राई करे जा रहा था और फिर दोबारा से निपट गया था, ट्राई कर रहा था निपट रहा था, ट्राई कर रहा था निपट रहा था, ऐसे चल रहा था बस। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि मैं इस साइड पे आया और फिर मैंने पता नहीं क्या सोचा और मैं फिर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया और फिर मैं निपट गया, निपटने वाला था बट नहीं निपटा, मैं यहाँ पर आ गया। बट फिर मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे करके निपट जाऊँगा, सो मैंने सोचा कि हल्की स्पीड रखनी पड़ेगी तब जाके मैं पार कर पाऊँगा। सो मैंने फिर दोबारा से वही चीज़ करी, पहले फिर नीचे आया, सिर्फ यहाँ पर आ गया और फिर हल्का सा इस पे आया, अब फिर मुझे बस निपटना था जो मैं कि निपट गया था। फिर दोबारा से मैं यहाँ पे आया, गलत जा रहा था मैं, निपटने वाला था वो तो बच गया। यहाँ पर आके फिर मैं देखने लगा कि किस तरह से मैं अपने प्लेयर को की दिलवाऊँ और दरवाज़ा खुलवाऊँ
जिसके चक्कर में मैं निपट गया दोबारा से। फिर दोबारा से जब आया वापस तो मैं देखने लगा और मुझे लग रहा था कि अब मैं कर लूँगा आराम से पार, जो कि क्योंकि मुझे की मिल चुकी थी और हमारा दरवाज़ा खुल चुका था। तो बस अब हमको अपने दरवाजे के पास जाना था जहाँ मैं पहुँच गया था और हो गई पारी। अभी नेक्स्ट लेवल इज़ अनलॉक। फिर दोबारा से ऐड आएगा, ऐड इसमें आएंगे कि ऑनलाइन गेम है सो इस वजह से। और इसमें डिफ़िकल्टी लेवल हमारे यहाँ पे इसलिए है कि हमारे यहाँ पे भी है एक इस वाले ऊपर भी है और ऊपर एक ब्लेड भी है। सो हम डिफ़िकल्टी लेवल हमारा इंक्रीज़ हो चुका है। ये निपट गया मैं, लेकिन हम ट्राई करते रहेंगे और इस गेम को भी जीत जाएंगे। सो बहुत ही प्रयास करने की प्रयास किया हमने बहुत सारा कि कैसे हम इस गेम को जीत सकें, इस लेवल को जीत सकें। और फिर हम गेम ओवर हो गया हमारा, क्योंकि दोनों तरफ। लेकिन फिर तभी मैंने फटाक से रोटेट किया और हमारी चाबी मिल गई हमें। सो अब था बस दरवाजे की तरफ जाना। सो वो बहुत ही आसान लग रहा था, जो कि था ही बहुत आसान। सो दो तीन बार गेम ओवर करा के हम इस लेवल को भी जीत गए। फिर हमारा पता नहीं कौन सा लेवल था, ये छठा सातवां। इसमें हमारी आग भी जल रही थी, अब ये नहीं पता कि वो आग असली है कि ऐसी है, लेकिन हम निपट गए थे। नहीं, ये भी आर्टिफिशियल ही है। और हमारा ब्लू बॉक्स यहाँ पर आके अब हमें बस चाबी चाहिए थी जो हमें मिल चुकी थी। ये वाला लेवल बहुत आसान था, जिसमें हमें सिर्फ एक बार वो गेम ओवर करवाना पड़ा और दूसरी बार में हमने पार कर दिया था। सो ये हमारा तीसरा लेवल, तीसरा तो नहीं मतलब सातवां आठवां होगा शायद। यहाँ पे एक पम्पकिन भी रखा था और इसमें हमारा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा डिक्रीज हो गया था। बट वही था कि कैसे पार करें, बट एक आइडिया आया था, बट उस आइडिया के चक्कर में हम निपट गए थे। फिर दोबारा गेम ओवर हो गया था। बट एक आइडिया था कि इसको अगर हम रोटेट करें इस तरह से, जल्दी जल्दी करके हमने रोटेट किया, लेकिन हम फिर दोबारा से एंट्री पॉइंट पे ही पहुंच गए थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना ऐसे जाया जाए, इसमें ज़्यादा कुछ खतरा आया भी नहीं। और फाइनली हम की पे पहुंच गए थे, की हमें मिल चुकी थी और बस अब दरवाजे के अंदर जाना था। और फाइनली दरवाजे के अंदर चले गए और लेवल भी अनलॉक्ड हो गया था नेक्स्ट। सो हम 9 लेवल अनलॉक कर चुके थे और आगे का हम बाद में खेलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि फ्यूचर वीडियोस को मिस ना कर पाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।